मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,35,104 बेरोजगार युवाओं को वितरित किया बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार हितग्राहियों के खाते में 35,48,07,500 रुपए का अंतरण किया। इस योजना के तहत अब तक 182,47,02,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों को मिल चुका है। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को केवल आर्थिक सबल प्रदान करना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना भी है। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हितग्राहियों को, हितग्राही जो लाभान्वित हो रहे हैं, सभी साथियों, साथ ही बहुत सारे आज नियुक्ति पत्र भी दिए हैं, प्रमाण पत्र दिए हैं, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज जब हम योजना शुरू किए थे 6 महीने पहले, उस समय बहुत सारी शंकाएँ थी, कुशंकाएँ थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन जिस प्रकार से योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया, ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई, या उसी प्रकार से बटन दबाते ही सबके खाते में पैसे पहुंचना शुरू हुआ और लगभग अब बेरोजगारी भत्ता 1,35,104 हमारे शिक्षित बेरोजगार साथियों को आज 35,48,07,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता आज जारी किया गया। आप सबको बधाई। आज मिला के लगभग 182,47,02,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया गया। मतलब पिछली सरकार 14 साल में 90 करोड़ दिया था, 6 महीने में उसे दुगुना हो गया, 182 करोड़ हो गया। तो सही ढंग से इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और उसके साथ साथ हमारे साथी बेरोजगार ही न रह जाएं, केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न करें बल्कि स्वरोजगार हो जाए, शासकीय नौकरी मिल जाए। इसके लिए लगातार कोचिंग का भी कार्यक्रम है, कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, विभिन्न संस्थाओं में लगभग 7,464 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं तो अधिकारियों से कहूँगा, ये आंकड़े शुरुआत में तो अच्छे लग रहे थे लेकिन अब बढ़ना चाहिए। केवल 7,000, जब 1,35,000 है तो कम से कम वो आंकड़े आधे के आसपास तो पहुँचना चाहिए। तो स्वरोजगार जल्दी से जल्दी हमारे युवा साथी प्राप्त करे, नौकरियां प्राप्त करे, तो ये हमारी कोशिश। और इसी प्रकार से आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पद विज्ञप्ति किए गए थे, जिसमें से प्रथम चरण में 82 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इस कार्यक्रम में 109 आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, साथ ही 6 छात्रावास अधीक्षकों के नियुक्ति आदेश भी आज जारी किए गए। तो इस तरह से लगातार भर्तियां चल रही है। 30,000 शिक्षकों की भर्ती, टोटल अभी 42,000 जो रिक्त पद है उसकी भर्तियां चल रही है। अभी कुछ शिकायतें बातें आई है पीएससी की, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, पहली बात तो सुन लीजिए। दूसरी बात यह है, शिकायत मिले तो सही, अभी केवल पेपरबाजी चल रहा है, राजनीतिक दल के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अभी तक के कोई भी जो एग्जाम दिए हैं उसकी तरफ से कोई शिकायत मिली नहीं है। यदि शिकायत मिले, एक एक शिकायत की जांच करवाऊंगा मैं, किसी का अधिकार छीनने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जब आप परीक्षा दिया ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप में योग्यता है, आप पात्रता रखते हैं, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ जांच भी करेंगे, दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हूँ, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन साथियों से, युवा साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, कौवा कान ले गए कि कोनो किस, तो कौवा के पीछू पीछू भागना नहीं है, पहले कान ल टमर ले। कान अपन जगह में है,
तो कौआ कान ला ले गए कर कौआ पाछू पाछू भागे ला ले, तो ये काम नहीं होना चाहिए। पहले कान ला देख ले हाबे नहीं है तो भाग, और हाबे तो काबर भाग भी। तो आज ही चला थे कि कौआ कान ला ले गए, तो अब पीएससी का रिजल्ट आए इतने दिन हो गए, लेकिन हमारे परीक्षार्थियों के द्वारा कोई शिकायत नहीं हुई। शिकायत होगी मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि वाजिब शिकायत मिली, यदि साथियों ने शिकायत की, चाहे वो शिकायत गलत हो सही हो, सबकी जांच मैं कराऊंगा और दोषी पाने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। तो इस मामले में निश्चिंत रहिए आप। लेकिन पहले आप देख लीजिए 2003-04 में पीएससी की परीक्षाएं हुई, रिजल्ट कब आया याद है आपको? उसकी शिकायतें भी हुई हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ फैसले हुए, सुप्रीम कोर्ट में लटका है, तो आज तक लटका, जब फैसला आएगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस प्रकार की कोई शिकायत मिली नहीं है। कहते हैं कि इस अधिकारी के पुत्र पुत्रियां हैं, उसका हो गया, तो किसी अधिकारी के पुत्र पुत्री होने पर कोई दोष नहीं है, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे के भी अधिकार है। लेकिन यदि उसके वजह से पुत्र पुत्री होने के नाते से यदि बेजा लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है ना? तो यदि अधिकारी के बच्चे होना कोई गुनाह तो नहीं है। और लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, यदि उन्होंने गलत ढंग से लाभ उठाया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के बेरोजगार साथियों के नौजवानों की जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो योग्यता रखते हैं, उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। तो इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। मैं पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।